दोस्तों, ये हमारी एरे मेथड्स की एक सीरीज चल रही है। तो अभी तक जो हमने एरे की मेथड देख ली है वो है पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। आज हम कॉन्केट को सीखेंगे, इसके बाद जॉइन, स्लाइस, स्प्लाइस, इज एरे, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, फर्स्ट में इतने सीखेंगे, इसके बाद फिर और कुछ और हैं उनको भी सीखेंगे। ठीक है, तो कॉन्केट, आज कॉन्केट को शुरू करते हैं। कॉन्केट क्या है? कॉन्केट को बोलते हैं हम कॉन्केटिनेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जोड़ना, किसी एरेज को मर्ज करना। जैसे हमारे पास एरे हैं तो हम एरे को मर्ज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि इनको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं एरे क्रिएट कर लेता हूं। तो स्क्रिप्ट, इसके अंदर फर्स्ट एरे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने वेयर करके बना लिया ए, एक में मैं वैल्यू दे देता हूँ एरे की। जैसे फर्स्ट मैंने लिख लिया कमल, एक एरे के अंदर वैल्यू है। फिर पंकज, करण, करण, ठीक है। तो ये तो हमारा एक एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब कॉनकेट में क्या होता है कि हमें एरे को ऐड कर, मतलब एरे को जोड़ना होता है। ठीक है, ऐसे प्लस करना नहीं, मतलब ऐसे मर्ज करना, मतलब दो तीन एरे या आपके पास जितने भी हैं आप सबको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखो। एरे क्रिएट हुआ, आपको एक और एरे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं, हमें ए और बी को कॉन्केट करना है, तो बी के अंदर वैल्यू देता हूँ। अब देख रहे हैं आप, कमल, पंकज, करण। अब मेरे करण अर्जुन आएंगे तो अर्जुन कर लेते हैं। ठीक है, एक वैल्यू। तो ये हो गया, हमारे दो एरे क्रिएट हो गए। अब हमें, पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इसके अंदर मैं पहले ए को प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसका पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और इसको ब्राउजर में चला लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्केट करना जब आपके पास बहुत सारे एरे होंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई एक से ज्यादा एरे को कॉन्केट करना है। आप देख लेंगे यहाँ पे तीन वैल्यूज आई हैं फर्स्ट में। तो देखिए, कमल, पंकज, करण, अभी तक अर्जुन का कहीं से कहीं तक कोई नेम नहीं है। ठीक है, तो अब हमें एक ही एरे के अंदर ये दोनों एरे चाहिए। समझे आप मेरी बात को? हमें ए और बी दोनों एरे एक ही एरे में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वेयर सी। ठीक है, सी हमने एक क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, या एरे, मतलब एरे बना रहे हैं तो हम एरे ले लिया। ठीक है, तो हम इन दोनों की वैल्यू को इसमें करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ए डॉट कॉनकेट और उसमें वैल्यू क्या दे देंगे, बी। तो देखिए, अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। अब हम ए बी को नहीं, सीधे सी को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कमल, पंकज, करण, अर्जुन। तो ठीक है, आप देखिए, कमल, पंकज, करण, अर्जुन। तो ऐसे आप कॉन्केट करा सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, तो अगर आपके पास इसे ज्यादा है, माना यहाँ पे हमारे पास कोई एक्स है, हमने लिया वेयर एक्स। ठीक है, तो एक्स में मैंने फिर वैल्यूज डाल दी, रवि, दीपक, ये एक एक और एरे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या दिया नीचे, ए कॉन्केट बी। तो अब आपको एक्स को भी कॉन्केट करना है, तो आप क्या करेंगे पता है, कॉमा लगाइए, एक्स लिख दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ एक्स भी कॉन्केट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर बहुत सारे एरे क्रिएट, मतलब मर्ज करने हैं, तो आप ऐसे कॉमा लगाते रहेंगे, उनको मर्ज करते रहेंगे। ठीक है, ये तो थी कॉन्केट करने की मेथड। ठीक है, कि एरे की एक मेथड हमने जैसे पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट सीखी, वैसे ही कॉन्केट होगी।